आपके नेत्रबिंदु का ऑपरेशन हुआ, कैसा रहा, क्या रहा? आंगनवाड़ी वाली आई, उन्हीं के जरिए हमको सूचना मिला। 6 फरवरी को हमको यहाँ से गाड़ी लगी, ले गए, और 7 को ऑपरेशन करके, 8 को ला करके हमको वहीं पर फिर छोड़ दिए। पहले की स्थिति और ऑपरेशन के बाद अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, साफ दिखता है। हाँ, यहीं से जो है आंगनबाड़ी की जो है महिला जो है गई, मैं दरवाजे से निकल रहा तब तक वो पहुंच गई, कहें कि चाचा आपको कम दिखाई देता है। हम कहे बहुत कम दिखाई देता है, इतना कम दिखाई देता कि मैं कह नहीं सकता। और बड़े आनंद के साथ जो है लोग ले गए, इतने सब इतनी सहानुभूति के साथ वो ले गए कि मैं कह नहीं सकता। हमारा डॉक्टर और सभी स्टाफ लोग के सहयोग से बहुत ही सफलतापूर्वक हमारा अच्छा ऑपरेशन हुआ और हमको साफ दिखाई भी दे रहा है। हम इसके लिए आप लोग के बहुत आभारी हैं, बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये ऐसा जो प्रोग्राम आपने चलाया है, जो दूर दृष्टि रखा, दिया स्वस्थ दृष्टि समग्र काशी, हम तो कहते हैं दूर दृष्टि समग्र काशी, पूरे काशी के लिए दूर दृष्टि, वो विवेक जो है, वो बुद्धि है, वो विचार है, उस विचार के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। साहब बस सबके आशीर्वाद बने रहे ताकि हम और ज्यादा सेवा करें। आप हमारे जनप्रतिनिधि ही हैं और आप काशी विश्वनाथ का गौरव हैं। आंगनवाड़ी वर्कर बताएं आपका क्या अनुभव आता है। प्रणाम सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी को चलाया, और इसमें हम लोग को सबसे बड़ा मौका मिला कि हम लोग सबके लिए काम करते थे लेकिन बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसा काम नहीं था, तो इस काम के लिए हम लोग बुजुर्ग को मतलब कि घर घर हम लोग को और भी प्रोत्साहन मिला, सबका आशीर्वाद मिला। चलिए आपको भी आशीर्वाद मिला, मुझे भी मिला जी। सर आपका बहुत नाम हुआ सर, बहुत सब लोग बोले कि मोदी जी की वजह से हम लोग का एक पैसा नहीं लगा। जो महिलाएं फील्ड में हम लोग जाते थे तो हम लोग को भी मतलब खुश ही होता था कि वो हमको देख के बोलती थी कि चलो बहन जी तो ही लोग की वजह से आज हमार आँख बन गई। हम लोग के लगे पैसा नहीं रहा लेकिन आप लोग की वजह से हम लोग का 1 रुपया नहीं लगा और मोदी जी हम लोग का आँख बनवा देलन। हम लोगों ने कार्य तो सर बहुत किया है लेकिन इस कार्य को करके जितनी खुशी मिली है उस कार्य के जरिए मैं आपको दिल से तहे दिल से आपका अभिनंदन करती हूँ। चलिए मैं खास करके तो ये हमारी आशा दीदी और आंगनवाड़ी की दीदी है ना, उनका जरूर धन्यवाद कीजिए क्योंकि हमारे कहने पर वो घर घर गई, अभी भी मेहनत कर रही है, सबको ढूंढ रही है, किसी को भी छूट ना जाए इसकी चिंता करते सब, और उसके कारण ये हो सका। और आपने भी हमारी बात पे भरोसा किया क्योंकि करीब 1000 लोगों की आंखें तो बन गई हैं, अभी और भी काम चल रहा है तो सबका विश्वास बढ़ गया है। नहीं सर, ये पढ़ते तो है नहीं, खेलते रहते हैं, करते हैं। मेरा नाम खुशी पांडे है और मैं बोला हूँ सर, मैंने खेलो तो हमें दूर रहना चाहिए। आपने मतलब पिछले 5 सालों में स्पोर्ट के स्पोर्ट पर्सन पे आपने बहुत सा विकास का काम किया है, इसलिए सर हमको मतलब आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। अभी आपने जो सिगरा स्टेडियम का बनने का काम करवा रहे हैं सर, बहुत ही अच्छा काम है। योगा करने वाले कौन कौन है जो रेगुलर योगा करते हैं, तो मेरी एक आपको एडवाइज है, खेलकूद में सिर्फ बॉडी पावर से काम नहीं चलता है, हैं? मन का भी ताकत चाहिए, तो वो योग से आता है। तो करेंगे योगा प्रैक्टिस, और इस बार 21 जून को योगा दिवस में हिस्सा लेंगे, औरों को भी दिलवाएंगे। अच्छा, सबका मन करता है बड़े खिलाड़ी बनना है, देखिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। हमारा मक्के पोहे का प्लांट है करखियाओं में, इंडस्ट्रियल एरिया में, और दाल मिल भी है। और कितना लोन लिया? 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़ मिल गया इस उम्र में? हमने तो अभी तक 1 करोड़ देखा नहीं यार। फैमिली के साथ लिए है। 10,000 लोन लिए थे, 21 खिला है। हाँ, क्या बेचते हैं? आलू प्याज लहसुन सब्जी। फिर क्या हुआ? तो 10,000 भर दिए, फिर 20,000 मिला, फिर 20,000 भर दिए, आपकी 50,000 मिला। अरे वाह, तो अपना कारोबार बढ़ रहा है। हाँ, कारोबार बढ़ रहा है। पहले ब्याज से पैसे लेते थे साहूकार? हाँ, से? हाँ सर। तो कितना ब्याज जाता? वो 10% का लेता। ओ, और अभी? अब तो यही इसी से काम चल रहा है, पैसा बच जाए। हाँ सर, मेरा नाम अविनाश प्रकाश है
होम्योपैथिक दवा का थोक विक्रय करते हैं सर। कितना लोन लिया सर? 20 लाख का। और पैसा रेगुलर भर जी सर? रेगुलर हो रहा है मेरा। अच्छा, डिजिटल पेमेंट लेते हैं? जी सर, डिजिटल पेमेंट लेते हैं, डिजिटल करते हैं सर। सर नमस्ते, मेरा नाम असलम है, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। जो भी जी ट्रांसपोर्ट का जो भी यात्रीगण आते हैं उनको हम टैक्सी प्रोवाइड कराते हैं। अभी 20 लाख का लोन लिया है टेम्पो ट्रेवलर के लिए। अच्छा। जो यात्रीगण बाहर ऐसे आएंगे उनको हम लोग सेवा प्रदान करते हैं। चलिए, आप सबको बहुत शुभकामनाएं, लेकिन कोशिश कीजिए कि डिजिटली सारा कारोबार हो, हैं, QR कोड हो या UPI हो, सबको आदर लगानी चाहिए। करेंगे ना? ठीक है, धन्यवाद।